नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। बस्ती जिले में अपराध मुक्त, भय मुक्त स्वास्थ्य समाज का भले ही जिला प्रशासन दावा कर रहा है, लेकिन प्रशासन पूरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। दरअसल दलित पीड़ित परिवार ने प्रधान प्रतिनिधि अरुण कुमार सिंह पर आरोप लगाया है कि गांव में दलित परिवार को घुसने नहीं दिया जा रहा है। प्रधान के प्रतिनिधि अरुण सिंह की तरफ से फरमान जारी कर दिया गया है कि दलित परिवार को गाँव में घुसने नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर दलित परिवार इधर उधर रहा है। दलित परिवार ने आरोप लगाया है कि हम लोगों को गांव में पानी पीने पर रोक लगा दी गई है। हम लोगों का नल इंडिया मार्का हैंडपंप उखाड़ कर फेंक दिया गया है। शौचालय पर भी रोक लगा दिया गया है। वहीं इस पूरे परिवार ने गांव से पलायन कर लिया है। बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं को जान से मारने की धमकी मिल रही है। बच्चों का स्कूल जाना बंद हो गया है। पूरा परिवार इधर उधर भटक रहा है और सड़क पर जीवन काटने को मजबूर। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को दर्जनों शिकायती पत्र देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो बस्ती का ये पूरा मामला है, जहां पर ग्राम प्रधान का आतंक जो है वो देखा जा सकता है। और ऐसे में ग्राम प्रधान के आतंक से गांव से परिवार ने पलायन कर लिया है। मजबूर परिवार हो चुका है, जिसको देखते हुए परिवार ने खुद ही पलायन कर लिया है ग्राम प्रधान के डर से। ग्राम कुपवा थाना कोतवाली में पूर्व में दो पक्षों में मारपीट की घटना घटित हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से क्रॉस FIR दर्ज कराई गई थी और इसमें SC ST एक्ट के तरफ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। संज्ञान में आया है कि अभियुक्तगण जो है अभी बाहर आ गए हैं और गांव में रह रहे हैं। इसको लेकर के दोनों पक्षों में फिर वहाँ तनाव व्याप्त है, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिगत वहाँ पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जा रही है और प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया है कि गाँव का भ्रमण कर लें, किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना वहाँ ना हो। सर, समस्या इतना है कि सर, प्रधानी रंजित से जो हमारा विवाद हुआ 25 मई को, जिसके कारण हमें जेल भी काटना पड़ा बिना किसी मुद्दे के, हमारे घर पे चढ़ के मारे। और सर, उतना तो ठीक हमें घर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। मेन मुद्दा है सर, हम उनका लड़ाई नहीं है, मेन मुद्दा है सर, हम घर नहीं जा पा रहे हैं। हम सर कितने दिन रिश्तेदारी में रहे, कितने दिन हम भटके हैं, घर नहीं जा रहे हैं। क्या समस्या आ रही है सर? समस्या ही आ रही है कि घर नहीं जा पा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो रहा है, प्लस कोई ऐसा रिश्तेदारी नहीं बचा है जहाँ हम लोग जाके आना चुके हैं। देखिए, प्रधानी रंजित से ये लोग मार किए, कहे कि अगर मैं जीतूँगा तो भी मारूँगा, हारूँगा तो भी मारूँगा। तो इसलिए हम लोग डर गए थे, तो दरवाजे पे चढ़ करके भानु प्रताप, विजय प्रताप और वो क्या नाम है, अरुण प्रताप, ये तीनों लोग दरवाजे पे चढ़ कर पूरी तरह से मारपीट की हमारे, और मारपीट हुआ, भगदड़ मचा, उसी में चोट हमारे जेठ जी को लगा, गंगाराम जी को, और काफ़ी चोटें लगें। फिर बंदूक लेके दौड़ाने लगे, बंदूक लेके कहे थे दौड़ाने लगे। ये चुनावी रंजिश लेके ये लोग मार झगड़ा किए हैं सर, और हम लोग गांव पे नहीं रह पा रहे हैं। बच्चे रहते हैं, जाने पे जो है गाली गुजा देते हैं और कहते हैं फर्जी मुकदमे में इतना फंसाएंगे कि क्या बताएं। मारने पीटने की बात करते हैं? मारने पीटने का भी धमकी देते हैं, मारे पीटे हैं नहीं, मार झगड़ा हुआ, हम लोग जेल काट के आ चुके हैं सर। बच्चे छोटे छोटे हम लोगों का इधर उधर भटक रहे हैं, देखते हैं। किसी को घर में नहीं जाने, किसी को घर में नहीं जाने दे रहे हैं। कितने दिन से आप लोग बाहर? ये कम से कम 3 महीने हो चुके हैं सर। तो कहाँ रहते हैं? रिश्तेदारी में इधर उधर रहते हैं सर, कहीं किसी रिश्तेदार के पास, कभी किसी रिश्तेदार के पास। तो बस्ती का ये पूरा मामला है, जहां पर ग्राम प्रधान की दबंगई, ग्राम प्रधान का आतंक जो है वो देखा जा रहा है। इसी के साथ बस्ती से हमारे संवाददाता अमित लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, जिस तरह से ग्राम प्रधान का ये आतंक देखा जा रहा है, आखिर ये पूरा मामला क्यों है, क्यों इस तरह से इस परिवार को परेशान किया जा रहा है? जी, ये बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला है। ये प्रधानी चुनाव, जब चुनाव चल रहा था, चुनावी रंजिश को लेकर प्रधानी चुनाव खत्म होने के बाद गांव में मारपीट हुई थी और दलित परिवार दोनों तरफ से FIR दर्ज किया गया था और दलित परिवार जेल भी गया था। जेल से छुटकर आया, जब वो परिवार पूरे अपने घर जा रहे थे तो गाँव में ग्राम प्रधान जो प्रतिनिधि हैं वो इस दलित परिवार को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, फरमान जारी कर दिया गया। यहां तक घर के सामने दलित परिवार के सरकारी हैंडपंप लगा था, वो भी उखाड़ दिया गया और पूरा दहशत का माहौल है। जबकि पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती ने यह सख्त आदेश दिया और बयान दिया कि गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और जिससे कोई घटना
ना घटित हो और कोतवाल को निर्देशित किया गया है कि मौके पे जाकर पूरा प्रकरण की जांच करें कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई है। बिल्कुल अमित, लेकिन देखिए जिस तरह से ये ग्राम प्रधान ने इस परिवार को परेशान करा हुआ है, अब देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई भी इससे प्रभावित हो रही है, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? कहीं ना कहीं पुलिस ग्राम प्रधान के, स्थानीय पुलिस ग्राम प्रधान के दबाव में है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रहा है। आए दिन पीड़ित परिवार, जो दलित ये पीड़ित परिवार है, ये प्रार्थना पत्र जिले के यानी कि अमित जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ग्राम प्रधान के दबाव में पुलिस जो है वो कार्रवाई नहीं कर रही, यानी कि आम जनता जो है वो परेशान इसी तरह से होती रहेगी। देखिए शासन जो है वो यूपी पुलिस को लेकर बड़े बड़े दावे करता है, आम जनता की सुरक्षा के लिए बातें करता है, लेकिन इस तरह से अगर ग्राम प्रधान के ही दबाव में पुलिस काम करेगी तो आम जनता फिर कहां जाएगी? जी कहीं ना कहीं जो शासन के दावे हैं वो स्थानीय तौर पर फेल नजर आए, फेल होती नजर आ रही हैं, लेकिन पीड़ित परिवार बार बार अधिकारियों को चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, यहाँ तक जिला प्रशासन भी कोई रुचि नहीं ले रहा। बस कोई अधिकारी, सिर्फ जाँच होगी, जाँच कर कार्रवाई, कब जाँच होगी और कब कार्रवाई होगी, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल अमित, और जिस तरह से देखिए पीड़ित परिवार जो है वो बार बार कार्रवाई की मांग कर रहा है और पत्र भी दे रहा है, जिस तरह से आप बता रहे हैं, क्या इस तरह से देखिए ग्राम प्रधान जो इन लोगों को परेशान कर रहा है, क्या इससे पहले भी इस तरह का कोई ग्राम प्रधान के खिलाफ मामला आया है या फिर ये पहला मामला है? नहीं, बस्ती जनपद के अभी तक तो ये पहला मामला आया है, लेकिन लोग जो बता रहे हैं, जो जानकारियां मिल रही है कि ग्राम प्रधान सत्ता के करीबी है, इसलिए दबंग माने जाते हैं, इसीलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। बिल्कुल अमित, आपकी क्या किसी पुलिस के अधिकारी से बातचीत हो पाई है इस पूरे मामले को लेकर? इस मामले को लेकर जब एडिशनल एसपी से, बस्ती एडिशनल एसपी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये मामला संज्ञान में, दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि आरोपी पक्ष बेल करा कर न्यायालय से आए हुए हैं और गांव में तनाव, ये पुलिस मान रही है कि गांव में तनाव चल रहा है जी, लेकिन तनाव तो चल रहा है अमित, ये पुलिस मान रही है लेकिन समाधान नहीं निकालने के लिए तैयार, और इसीलिए देखिए जो पावर में है उसका जो है उसका साथ दिया जा रहा है और आम जनता जो है जो परेशान है वाकई में जो पीड़ित है उसका साथ नहीं दिया जा रहा। जी आप सही कह रही हैं कि जो पीड़ित परिवार है वो काफी परेशान है, यहाँ तक अपने गाँव में नहीं जा पा रहा है, बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है और सड़कों पर रह के, रिश्तेदारियों में रह के वो दिन काट रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है बहुत बड़ा। बिल्कुल अमित, चलिए इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बस्ती का ये पूरा मामला है जहां पर चुनावी रंजिश को लेकर जो है ग्राम प्रधान का आतंक देखने के लिए मिल रहा है और ऐसे में लगातार पीड़ित परिवार जो है वो मांग कर रहा है, कार्रवाई करने की मांग कर रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं भी कार्रवाई करता नहीं नजर आ रहा। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि ग्राम प्रधान के दबाव में आकर पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है। तो बस्ती का पूरा मामला है जहां पर ग्राम प्रधान ने इस पूरे ही परिवार को परेशान किया हुआ है और ऐसे में वो जो है गांव से पलायन भी कर चुके हैं, स्कूल में बच्चे जो पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है और इसी वजह से ये परिवार जो है ग्राम प्रधान के आतंक की वजह से गांव छोड़कर भी पलायन कर चुका है। दबंगों की उड़ान, लोग परेशान। जी हां, उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार भले ही प्रदेश में रामराज होने की बात कर रही हो लेकिन अपराधियों के हौसलों के आगे पुलिस प्रशासन बौना साबित हो रहा है। कानपुर देहात में पुराने विवाद के चलते कुछ दबंगों ने अपने ही पड़ोसी के घर में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। घर में घुसकर सारा सामान तोड़ दिया गया और महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित के घर के बाहर और घर में घुसकर कई राउंड फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और अपराधियों की तलाश की जा रही है लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है। ये रिपोर्ट देखिए।
गौर से देखिए इस नजारे को। देर रात घर से बाहर चल रही ताबड़तोड़ गोलियां रात के अंधेरे में दबंगों का तांडव देखने को मिला। लाठी और डंडों समेत कई राउंड दबंगों ने फायरिंग की। मामला कानपुर देहात के अकबरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने अपने ही पड़ोसी के ऊपर हमला बोल दिया। हमले में दबंगों ने पड़ोसी के घर का दरवाजा तोड़कर उसके घर में तांडव मचा दिया। महिलाओं, बच्चों और पुरुषों समेत एक साथ सभी को बेरहमी से पीट दिया। भद्दी भद्दी गालियां दी गई और सड़कों पर दबंगों का नंगा नाच देखने को मिला। आप जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को, जिसमें एक युवक घर के अंदर से गोलियां चलाते हुए और हाथों में कट्टा लहराकर फायरिंग कर रहा है। खुलेआम दबंगों की ये तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घंटों दबंगों ने पीड़ित के परिवार पर अपना कहर बरपाया। पीड़ित मोहम्मद निहाल दरअसल छोटे मोटे कारोबार से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसके माता पिता, उसकी पत्नी और भाई एक साथ अपने घर में रहते हैं और कुछ दिनों पहले हुए पड़ोसी से विवाद के चलते दोनों ही पक्ष ने क्षेत्रीय पुलिस को विवाद की जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने दोनों ही पक्षों में समझौता कराकर मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन दूसरा पक्ष उस विवाद को रंजिश मानकर आगे किसी घटना को अंजाम देने का इंतजार कर रहा था। थाना अकबरपुर के रनिया कस्बे में एक चिटिकपुर चौराहा है, वहाँ पे दो पक्षों में कल शाम को पहले विवाद हुआ था। गाली गलौज होने की सूचना दिया था दोनों लोगों ने और उसके बाद देर रात को एक पक्ष ने फायरिंग की है और फायरिंग के साथ उसके घर में घुस के मारपीट का प्रयास किया, जिसका वीडियो भी बना है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और नामजद अभियुक्तों की तलाश की जा रही है और नामजद अभियुक्तों के अलावा भी कुछ युवक वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उनकी तलाश की जा रही है और उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या विवाद की कोई वजह सामने आई? नहीं, वो दोनों पड़ोसी हैं और दोनों पड़ोसियों में पहले भी गाली गलौज होने की सूचना मिली थी और इसी क्रम में वो विवाद बढ़ करके वो रात को फायरिंग किया है एक पक्ष ने और उसमें एक तरफा कार्रवाई एक पक्ष ने किया है और उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। देर रात दबंगों की दबंगई से इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। लोग पूरी तरीके से दहशत में हैं और कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। खौफ इतना है कि लोग अपने घरों से निकलना भी नहीं चाहते। शायद जवान खोलने का खामियाजा वो देख चुके हैं। दबंगों ने इसका दर कहर बरपाया कि लोगों के दिलों में दहशत फैल गई है। जिले में लगातार दबंगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और पुलिस जांच की डफली बजा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रदेश में रामराज होने का दावा करने वाली सरकार क्या कर रही है? आखिर पुलिस का राज किस कदर अपराधियों के आगे कमजोर होता जा रहा है? अगर इसी तरीके से अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम देते रहे तो शायद रामराज की परिभाषा प्रदेश में बदल जाएगी। क्या अपराधियों का कद जिले में इतना बढ़ गया है कि पुलिस उनके गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रही है? आखिर किसकी शह पर ये दबंग दबंगई कर रहे हैं? आखिर पुलिस क्यों इन बदमाशों के आगे मूक दर्शक बनी हुई है? फिलहाल पुलिस ने अब इस पूरे मामले में नामजद FIR दर्ज कर ली है और अपराधियों की पकड़ के लिए टीमें भी गठित कर दी गई है। लेकिन कानपुर देहात की पुलिस घटना के इतने घंटों बाद भी अभी भी खाली हाथों ही नजर आ रही है। के लिए कानपुर सिंह की रिपोर्ट। शामली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर करीब दर्जन युवकों ने एक युवक को बीच सड़क पर पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया और घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसका हाथ युवक के बराबर से निकलते वक्त एक युवक से लग गया था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और आरोपी युवकों की तलाश में जुट गई है। बीच सड़क पर युवकों की तरफ से युवक की पीट पीट कर हत्या करने से क्षेत्र
में सनसनी फैल गई है। शामली का ये पूरा मामला है जहां पर दबंगों का ये आतंक देखने के लिए मिला है और दबंगों ने युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी और ऐसे में दबंगों का आतंक जो है वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि युवक का बराबर से गुजर रहे एक युवक से हाथ जो है वो टकरा गया था, लग गया था, जिस वजह से दबंगों ने उस युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी। तो बता दें शामली का यह पूरा मामला है जहां पर दबंगों का आतंक जो है ये देखने के लिए मिला है और ऐसे में एक युवक की दबंगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। हालांकि देखिए यूपी में अपराध का ग्राफ जो है पिछले कई दिनों से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपराधिक घटनाएं हर बीते दिन बढ़ती जा रही हैं यूपी में। लगातार शासन जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर तमाम वादे करता है, तमाम बातें कहता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपराधियों को, दबंगों को ना तो कानून का डर है ना पुलिस का डर है। इसीलिए आए दिन इस तरह की घटनाएं जो हैं वो यूपी से सामने आती हैं। हालांकि अगर बस्ती की ही बात कर ली जाए तो इससे पहले जो हमने खबर दिखाई थी वहां भी ग्राम प्रधान का आतंक देखा गया था। यानी कि देखिए कुल मिलाकर जो अपराध है वो पूरी तरह से यूपी में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और शामली की बात कर ले तो यहां देखिए दबंगों ने किस तरह से युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया और सिर्फ युवक की गलती इतनी थी कि बराबर से गुजरने वाले युवक से उसका हाथ टकरा गया था। पर दबंगों ने युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई है और ऐसे में अपराध जो है, अपराध का ग्राफ जो है वो यूपी में थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि बराबर से गुजरने वाले युवक से उसका हाथ टकरा गया था जिसकी वजह से उसको मौत के घाट उतार दिया गया। चलिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी शाही जुड़ चुके हैं। अश्वनी जी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। धन्यवाद अश्वनी जी। देखिए बीजेपी सरकार जो है वो लगातार कानून व्यवस्था को लेकर तमाम वादे करती है यूपी में और ऐसे में देखिए लगातार अगर बात की जाए तो दबंगों का आतंक देखने के लिए मिल रहा है। अगर मैं आपके सामने अभी दो चीजें रखूंगी, देखिए बस्ती में एक तो ग्राम प्रधान का आतंक देखने के लिए मिला है और अगर शामली की बात कर ली जाए तो वहां पर दबंगों ने एक युवक को पीट पीट के मौत के घाट उतार दिया। तो कानून व्यवस्था आखिर रह क्या गई है? देखिए कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से सुधरी है। ये आप जो घटनाएं कह रही हैं अगर सही हुई हैं तो आप ये भी देखिएगा कि 24 घंटे से 36 घंटे के अंदर किसने भी ये घटना की है चाहे वो कोई भी हो जी, वो बचने नहीं पाएगा, वो सलाखों के पीछे होगा। उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं अभी देखिए, आपको गोरखपुर का मैं कांड का हवाला दे रहा हूँ। एक बच्ची की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जी। पूरा विपक्ष जो है हल्ला, कानून व्यवस्था खराब है। एक महीना भी नहीं बीता और उस अपराधी को खोजकर कल ढेर कर दिया। लेकिन अश्वनी जी देखिए ये आपने जरूर बताया, लेकिन तमाम मामले ऐसे सामने आते हैं जहां पर जो पुलिस है वही दबाव में नजर आती है और काम नहीं करती है। देखिए कहीं पुलिस दबाव नहीं है, पुलिस का इकबाल बुलंद है उत्तर प्रदेश में। और मैं आपको एक डेटा देना चाहता हूँ, जो पिछली सरकारों ने जो गलत किया था अभी भी उसके जो पोषक लोग हैं अभी भी वो हैं, उनके समर्थक अभी भी हैं जो छिटपुट अपराध करते रह रहे हैं। 7,650 अपराध रजिस्टर्ड होते थे उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार में जी। ये रोज की बात है, मैं सारे अपराधों पर नहीं जाऊंगा। आज के दिन में आप देखिए कितने अपराध दर्ज हो रहे हैं और कितने अपराध हो रहे हैं जी। जो हो रहा है उस पर चाहे वो आईएएस हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अपराधी हो जी। आज बताइए संगठित अपराध उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुका है।
जितने संगठित अपराधी थे आपको सबने देखा कि पंजाब से यहाँ आने में उनकी जो है लेकिन अश्वनी जी फिर इस तरह की घटनाएं क्यों लगातार सामने आती हैं? देखिए जो मैं आपको घटना बता रही थी बस्ती की बता रही थी वहीं पे ये खबर सामने आई है कि ग्राम प्रधान के दबाव में ही पुलिस जो है वो मामले में कार्रवाई नहीं कर रही है, फिर आप क्या कहेंगे इस पर? आप कह रहे हैं कि पुलिस पर किसी तरह का दबाव ही नहीं है। देखिए आप लोग जागरूक पत्रकार हैं और आपका एक प्रतिष्ठित चैनल है, आपने अगर इस सूचना को चलाया है तो अगर वैसे तो होगी नहीं जी। लेकिन अगर कोई ऐसी घटना हुई है तो न वो पुलिस वाले जो दबाव में है वो बचने वाले हैं और न वो प्रधान बचने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, अपराध पर जीरो टॉलरेंस हमारा पहला प्रथम कर्तव्य है, हमको अपराध पर बिल्कुल अश्वनी जी योगी सरकार लगातार यही कहती है। इसीलिए देखिए मैंने आपसे ये पूछा कि क्या दबंगों को क्या अपराधियों को अब कानून का डर नहीं है, क्योंकि जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है उसके बाद भी अपराध जो है वो लगातार बढ़ते ही जाते हैं। देखिए ये जीरो टॉलरेंस का कोई मतलब नहीं होता है कि हम अपराधियों पर वो करें जी। अपराध जो है जो देखिए इतना बड़ा प्रदेश है 23 करोड़ का जी। और 23 करोड़ में पीछे से, और मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब हम लोगों ने जो है वो एकदम खत्म कर दिया है, अभी भी समाज में अपराधी इस प्रवृत्ति के लोग हैं जो अपराध कर देते हैं जी। लेकिन जहां भी अगर कोई चीज पता चलती है, देखिए कोई भविष्य वक्ता नहीं है कि राहुल गांधी हो गए कि कोरोना आने वाला है और चाइना आने वाला है, सब वो लोग कैसे रहते हैं वो हम नहीं कह रहे हैं। हम इस चीज को मानते हैं कि जहां हो रहा है उस पर हम तुरंत लगाम लगाने का काम कर रहे हैं, और अगर कोई संगठित अपराधी है तो उसको हम जेल में डालने का काम कर रहे हैं। 50,000 के आसपास लोग जो है इस समय निरुद्ध हैं गंगेश्वर एक्ट में, हर जिले से हर तहसील से लोगों को उठाया गया है जो खतरनाक टाइप के लोग थे। लेकिन अगर चीजें ऐसी कहीं कहीं हो जाती हैं तो उस पर तुरंत पुलिस अंकुश भी पाने का काम करती है। और दबाव की जहां तक रही बात, मैं फिर से दोहराता हूं आपके माध्यम से, अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उसको संज्ञान में लिया जाएगा और तुरंत उस पर कार्रवाई। बिल्कुल अश्वनी जी, यहाँ पर देखिए एक सवाल मैं ये भी करना चाहूंगी कि यूपी से देखिए तमाम मामले ऐसे भी सामने आते हैं कि घटना घट जाती है और पुलिस जो है वो बाद में पहुंचती है और ऐसे में पुलिस पर ही सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं, अक्सर जो है पुलिस की कार्यप्रणाली पर ही सवाल होते हैं क्योंकि पुलिस उस मामले में कार्रवाई नहीं कर पाती, ऐसा क्यों देखा जाता है? तमाम मामले ऐसे हैं, अगर पिछले साल की बात कर ली जाए, कानपुर देहात की बात कर ली जाए, कानपुर की बात कर ली जाए, तो कानपुर पुलिस ऐसी है जिस पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े होते हैं। अब कानपुर पुलिस पर सवाल खड़े हुए, अब बताइए कानपुर में पुलिस का कौन अफसर वहां बचा हुआ है जिस पर सवाल खड़े हुए थे, जिसको जांच करना था, जिसको जिसके खिलाफ मुकदमे लिखने थे, जिसको जेल भेजना था, शासन प्रशासन ने वो काम किया और वहां से सभी हटाए गए जो दागी थे। वहां पर जो लोग भी कहीं किसी से मामले में संलिप्त पाए गए या कहीं भी कोताही बरती उन्होंने अपने ड्यूटी के प्रति, उनको वहां से हटाने का काम करके और सस्पेंड करने का और जेल भेजने का काम भी किया गया था जी। कानपुर पुलिस हो, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए उत्तर प्रदेश, मैंने पहले भी कहा कि 23 करोड़ का प्रदेश है, हम पाकिस्तान से बड़े देश हैं जी। इसमें कानून व्यवस्था पर जो हम लोगों ने जिस प्रकार से अंकुश किया है, ये बहुत ही विचारणीय नहीं गंभीर प्रश्न है कि किस तरीके से माननीय कर्मी योगी आदित्यनाथ जी ने दृढ़ संकल्प दिखाते हुए इस काम को किया है। जैसे ही सत्ता में हम लोग आए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ऐसे पहला मुख्यमंत्री ऐसा देश का हुआ जिन्होंने कहा कि अपराधियों प्रदेश छोड़ दो या जेलों में चले जाओ नहीं तो ठोक दिए जाओगे, इसका बड़ा विरोध हुआ था और ठोके भी गए लोग। उसी तरीके से आज भी टॉप 10 पूरे प्रदेश के अपराधियों की लिस्ट जारी हो रही है, जिले के अपराधियों की लिस्ट जारी हो रही है, सबको जेलों में निरुद्ध किया जा रहा है। आज पीछे के लोगों ने क्या है, अखिलेश यादव जी अध्यक्ष बने थे जी, उस समय कितने थाने फूंक दिए गए थे ये किसी के पास हिसाब नहीं है। बिल्कुल अश्वनी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यूपी में अपराध का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर तमाम वादे किए जाते हैं, तमाम दावे किए जाते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार अपनाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में आपराधिक घटनाएं जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।